नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। पुणे में एनसीपी के जन जागरण अभियान को हरी झंडी दिखाने से पहले पवार ने कहा कि समुदायों के बीच दरार पैदा की जा रही है और इससे सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। पवार ने आगे कहा कि देश में भुखमरी के मुद्दे का समाधान हो सकता है क्योंकि हमारे किसानों ने उत्पादन बढ़ा दिया है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग किसानों को उचित पारिश्रमिक देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे बिचौलियों के हितों की रक्षा कर रहे हैं और आम लोगों को महंगाई की खाई में धकेल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरते हुए कहा कि आज का युवा शिक्षित है और उसे नौकरी मांगने का अधिकार है, लेकिन उद्योग महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, मौजूदा उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है और नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए भी कोई मौका नहीं दिया जा रहा, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 4,500 घरों को खाली कराने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज 5 जनवरी को अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। बता दें, हाई कोर्ट द्वारा रेलवे की जमीन खाली करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। साथ ही बता दें कि याचिकाकर्ताओं की दलील है कि हाई कोर्ट के सामने सही फैक्ट नहीं रखे गए और बनभूलपुरा में जो लोग 100 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे हैं, उन्हें हटाना ठीक नहीं है। बस्ती में इस समय दहशत का माहौल बना हुआ है, हर चेहरे पर तनाव और लोग दुआएं कर रहे हैं, साथ ही दिन रात यहां प्रदर्शन हो रहे हैं और किसी भी वक्त इस बस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में आ सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर बनी इस बस्ती को अवैध करार देते हुए खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार कांग्रेस 30 साल पुराना इतिहास बदलेगी। गहलोत से ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस 25 से 30 साल पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार रिपीट करेगी, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में 1993 के बाद से ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा रिपीट कर पाई है, लेकिन हर बार एक अंतर रहा है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जनता के मन में 6 महीने बाद ही यह भाव आ जाता है कि सरकार तो अशोक गहलोत की ही अच्छी थी। इसीलिए 2013 में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुए 8 उपचुनाव में से 6 में भाजपा हारी थी, क्योंकि लोग उनकी नीतियां समझ गए थे और हमारी योजनाओं से इस बार जनता बहुत खुश है। इस बार जनता के मन में कोई एंटी इनकम्बेंसी ना होकर प्रो एफिशिएंसी है, यही कारण है कि हम 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं। बीजेपी सिर्फ 1 उपचुनाव जीत सकी और उसमें भी जीत का अंतर मामूली रहा। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सिलेंडर की कीमत 500 रुपए करने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये कोई लोक लुभावन नहीं बल्कि जरूरी कदम है। उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने 1 सिलेंडर तो फ्री दे दिया, लेकिन अब LPG सिलेंडर 1,050 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में लोग सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पा रहे हैं। जहां हमारी सरकार है, वहां हम महंगाई को काबू में करने के कदम उठा रहे हैं और इस बार के बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है। अभिनेता शाहरुख खान की नई फिल्म पठान इसी महीने की 25 तारीख को रिलीज होने वाली है, लेकिन शाहरुख की अपकमिंग फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों से पूरी तरह घिर चुकी है और इसे लेकर विवाद खत्म होता भी नहीं नजर आ रहा। फिल्म को लेकर जो लेटेस्ट जानकारी सामने आई है वो है अहमदाबाद के एक मॉल की, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के पोस्टर फाड़ने के साथ साथ थिएटर में भी तोड़फोड़ की और साथ ही थिएटर के मालिक को फिल्म ना रिलीज करने के लिए भी धमकाया। बता दें, सारा विवाद शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक गाने बेशरम रंग को लेकर शुरू हुआ है, जिसके चलते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के वस्त्रापुरा इलाके के अल्फा मॉल में हंगामा किया और खूब नारेबाजी भी की। साथ ही बता दें कि अहमदाबाद के मॉल में बुधवार को जो हंगामा हुआ, उसे लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को तो शांत कर दिया है, लेकिन फिल्म के रिलीज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसे में मॉल की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही हंगामे के वीडियो की जांच की जा रही है। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अभ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रैप करने के बाद उनका नाम और फोटो जारी नहीं किया जाएगा, केवल उनके विभाग का नाम और उनके पद की जानकारी को ही सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें, यह आदेश हाल ही में DGACB का अतिरिक्त चार्ज संभालने वाले हेमंत प्रियदर्शी द्वारा दिया गया है। DGACB ने कहा है कि जब तक कोर्ट में केस साबित नहीं हो जाता,
तब तक गिरफ्तार लोगों का नाम और उनका फोटो उजागर नहीं किया जाएगा और न ही मीडिया को उनका नाम और फोटो दिया जाएगा। वहीं DGACB के इस आदेश पर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर आरोप साबित होने की बात है तो यह तमाम अपराधों पर लागू होती है, फिर तो चोर, डकैत, मर्डर करने वाले और रेप करने वालों का नाम भी तब तक सार्वजनिक नहीं होना चाहिए जब तक उन पर आरोप साबित नहीं हो जाता। इस समय वैश्विक आर्थिक मंदी की चिंता के चलते तमाम बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं। इस बीच खबर है कि अमेज़न एक बार फिर बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। इस बार अमेज़न ने पहले से भी अधिक कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न अपने 18,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। वहीं इससे पहले अमेज़न ने अपने 10,000 कर्मचारियों को बाहर करने का ऐलान किया था। बता दें, मौजूदा मंदी के दौर में अमेज़न द्वारा 18,000 कर्मचारियों को हटाना अब तक की सबसे बड़ी छटनी होगी। पश्चिम बंगाल में बुधवार 4 जनवरी को कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये चारों लोग अमेरिका से लौटे थे और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग से यह पुष्टि हुई है कि ये चारों व्यक्ति नए सब वेरिएंट BF7 से संक्रमित थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चारों मरीजों की हालत स्थिर है और इनमें से 3 नदिया जिले के हैं, जबकि एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान समय में वह कोलकाता में रहता है। बता दें, चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 ने ही हाहाकार मचा रखा है और इसे देखते हुए सतर्क हुए भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जा रही है। वहीं इससे पहले भी यानी पिछले हफ्ते कोलकाता हवाई अड्डे पर 3 लोग और कोरोना संक्रमित मिले थे, जिनमें से एक विदेशी नागरिक था और उनके जीनोम सीक्वेंसिंग में बाद में पुष्टि हुई थी कि वे ओमिक्रॉन के BF7 सब वेरिएंट से संक्रमित थे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।